देखिए, जो अभी हमने हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक की, ये बेसिकली कानून व्यवस्था के संबंध में आने वाला जो हमारे अगले 1-1.5 महीने वो चुनाव का टाइम है, बहुत सारे त्यौहार है, तो सामाजिक सौहार्द बना रहे, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू क्रिएट नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश हमें हमारी टीम को, हमारे ऑफिसर्स को देने थे, उसके संबंध में विस्तृत उनसे चर्चा हुई है। सभी डायरेक्शंस उनको बता दिए गए हैं और किस प्रकार से कानून व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी की चीज़ है वो बनी रहे, इसके लिए जो नीचे के हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको हमेशा मुस्तैद रहना इस संबंध में उनको। देखिए, लोकसभा चुनाव साथ हैं, साथ ही त्योहारों का सीजन है। आने वाले 1 महीने में विभिन्न पर्व आने वाले हैं। इन सभी के मद्देनज़र आज हमने एक मीटिंग आयोजित की है, जिसमें सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग करके डाउन द लाइन सबको सेंसिटाइज किया है, और जो डायरेक्शंस दिए हैं वो भी इसी संदर्भ में कि आने वाले पर्व पर विशेष सतर्कता बरतें, विशेष ध्यान रखें, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कराएं और सारे त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाएं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील रहते हुए, स्ट्रिक्ट रहते हुए, हर चीज़ को फॉलो कराते हुए, सामंजस्यता के साथ सब त्यौहारों को हमें सुनिश्चित करवाना है। इस बारे में मीटिंग ली गई। साथ ही इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस को लेकर के अभी जो फोर्सेज का हमारा फ्लैग मार्च चल रहा है, जो एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है, डिफरेंट इलाकों में आप देख रहे हैं रोज़ डेली फ्लैग मार्च हो रहे हैं, सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहे हैं, पुलिस की मोबिलिटी बढ़ गई है, हमने डिफरेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके और इंटर स्टेट नाके स्थापित कर दिए हैं, वहाँ रेगुलर राउंड द क्लॉक नाकाबंदी हो रही है, हमारी FST एक्टिवेटेड हैं और सीजर्स की कार्रवाई भी लार्ज स्केल पर हम कर रहे हैं।